मामू कितने दिनों बाद मिले। चला जाए अब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आ जा मेरे पास। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डिंपल मलन व्लॉग्स। और आज देखो जिस दिन से हम आए हैं, आज पहला दिन है कि धूप निकली है, बहुत ही क्लियर सा मौसम है। देखो बाहर का नज़ारा देख रहे हो ना, हमारी खिड़की से ही सब कुछ दिख जाता है। ये और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है बाहर से, किसी ने धूप बत्ती करी हुई है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और मैं रेडी हो गई, मैंने अपना जोत पोत जला ली, कान्हा जी को रेडी कर लिया, सब कुछ हो गया और मैं अपना जूस का गिलास लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है। बाऊजी, बड़े वाले बाऊजी सो रहे हैं ऊपर और मलन साहब गए हुए हैं अपने भाई के घर। असली मज़े तो उनके ही हैं, जब दिल करता है उठ के उधर चले जाते हैं, और कहीं नहीं जाते, वॉक करने नहीं जाते। उधर से आए थे तो कह रहे थे अब मैं रोज़ जैपनीज पार्क जाऊंगा, रोज़ जैपनीज पार्क जाऊंगा, और एक दिन नहीं गए, लिटरली एक दिन नहीं गए। बस उठते हैं, उधर चले जाते हैं, चाय पी आते हैं और फिर आ जाते हैं। और खाने में आज क्या बन रहा है, सिर्फ नमक अजवाइन वाले पराठे, ये देखो। और हमारे पास तवा भी नहीं है, पता ही नहीं तवा कहाँ चला गया। भाई पहले भी तो खाना बन ही रहा था ना, मैं पैन में रोटी बना रही हूँ, अब मार्केट जाऊँगी तो ही तो तवा आएगा, और इतनी अभी हिम्मत नहीं है मार्केट जाने की। और नमक अजवाइन वाले पराठे हम किसके साथ खा रहे हैं, ये देखो, ये सब्जी और ये सब्जी। कल रात को मलन साहब के फ्रेंड के घर से खाना आया था तो वो सब्जी अभी भी पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा वेस्ट क्यों करनी है भाई, किसी ने इतने प्यार से इतनी मेहनत से भेजा है खाना, तो फिर रात को भी खाया और अब फिर उसी के साथ ही पराठे खा रहे हैं। नोनू नारियल पानी पिएगा, बोलो, मतलब इधर से पहले इधर सुन लेती हूँ मैं। हाँ जी बोलो शाहजहां। नूरजहां चाय पिला दे, मैंने आपसे तो पूछा ही नहीं था अभी, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे ऐसी क्या बात है यार, पहले इनकी चाय बनेगी, इधर तो कहानी अधूरी रहेगी। मैं पूछ रही हूँ नारियल पानी। हाँ जी नारियल पानी, नो, फिर कॉफी, हॉट कॉफी पिए, इधर कोल्ड कॉफी, मैं हॉट कॉफी पीने लगी थी इसलिए मैंने पूछा, उधर चाय। क्या बात है ना, सब अलग कमरे में अलग चॉइस। छोड़ो पानी पी लो, पानी पिला दो, खत्म। और तू पानी पी के फिर सो जाएगा। चल मैच देखने चलते हैं। क्या जिंदगी है, आज प्रेम करनी बहुत जरूरी है, कमिटमेंट है, कल वाला चलूंगा। हम कल नहीं गए थे मैच देखने, तो सोचा आज मैच देखने चलते हैं, और हमने पास भी मंगवा लिए हैं, लेकिन इसकी जो वर्क कमिटमेंट्स हैं तो इस वजह से ये नहीं जा सकता, लेकिन मैं और मलन साहब तो रेडी होने लगे हैं, चलेंगे। तो सर आपकी चाय। बहुत बढ़िया, तेरा पंखा बंद कर दिया, मुझे ठंड लग रही थी। आई वाज फीलिंग कोल्ड। पर एसी नहीं बंद करना ना जी ना, कुछ मेरे को खाने को रस दे दे दो, एक दे दे। और Trigu, this is your coffee, cold coffee with lots of froth. Coffee पियो और फिर से सो जाओ। Coffee लोग नींद भगाने के लिए पीते हैं। और हम? मैं पी के सोता हूँ। सोने के लिए coffee पीते हैं। बहुत tasty बनी है। Thanks. Program तो हमने बना लिया मैच देखने जाने का, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, एक प्रॉब्लम है। क्या? मैं कपड़े तो कोई लेके ही नहीं आई।
मैं तो बीमार थी, अपने वही नाइट सूट ही उठा के लाई हूँ। ये पुराना आज सूट यहाँ पड़ा था जो पहनना, मेरे को कह रहे इतना पुराना सूट पहन लिया। मैंने कहा मैं तो कोई कपड़े ही नहीं लेके आई, मेरे को क्या पता था कि हमने कहीं जाना है। मैंने कहा पजामे कुर्ते अपने रात को जो मैं नाइट सूट पहनती हूँ वही लेके आई थी, अब इन्होंने प्रोग्राम बना लिया मैच देखने जाने का, अब मैं पहनूँ क्या, आप बताओ। वैसे ना एक बात बताऊँ, तेरा नाम ही प्रॉब्लम है। मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम हूँ वैसे आपकी जिंदगी में ना। नहीं नहीं तेरे हाँ। वैसे तेरे लिए अपने आप में कह रहा हूँ तू प्रॉब्लम है। मैं अपने आप में ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हूँ, तो मुझे आज ही पता चला वैसे कि मैं अपने आप में ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हूँ। अब पर अब इस प्रॉब्लम की प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए ना, क्या करूँ। मैंने अलमारी में देखा लिटरली कोई कपड़ा नहीं है, सब ले गई थी मैं उधर, और मैं आई कांट से एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, क्या पहन के जाऊंगी मैं। कुछ करो कुछ करो, धोती पहन लंगोट। देखो मैंने निकाल निकाल के कपड़े पहन लिए, हो गई मैं रेडी, और इधर मलन साहब भी रेडी हो गए हैं, जूनियर मलन। पर ये जूनियर मलन घर से सपोर्ट करेंगे। यस लेट्स गो, और हम वहां जाके सपोर्ट करेंगे। ये देख कितने एक्साइटेड हैं, हम वहां जाके सपोर्ट करेंगे। ऐसे से नाचना इन्होंने, वो जासूस वाला डांस करना। काटी नहीं मई करेगा अभिषेक को सपोर्ट। जू क्या सू पता है, हैंडसम लग रहा है। निश्चय चला गया लाइव स्ट्रीम करने, वो कह रहा था कि कल जाएंगे मैच देखने, वो चला गया और हम जा रहे हैं मैच देखने। और ये देखो और आज कब से रेडी होके, और आज मैच है बैंगलोर बैशर्स वर्सेस मुंबई। लेट्स मुंबई, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मुंबई को मुंबई को पर मैं बैंगलोर को कर रही हूँ सपोर्ट। तो फिर ये कोई पूछने की बात थी कि किसको सपोर्ट कर रहे हो? इफ यू नो यू नो। ओके तो पहुंच गए हम, बहुत लेट हो गए हैं, वैसे लगता है कि शुरू हो गया होगा, लेट हुए हैं हम इनकी वजह से। ये देखो ये ऑफिस से लेट आए हैं, हमें देर कर दी, गलत रास्ते में मैंने डाला। हाँ ऊपर से मलन साहब ने गूगल खोल लिया, गूगल ने हमें पता नहीं कौन से रास्ते पे डाल दिया, ऊपर से इतना ट्रैफिक, इतना जाम। और बस पहुँच तो हम गए हैं, हो सकता है अभी स्टार्ट ना ही हुआ, चलो चल के देखते हैं। और ये देखो हमारे पांडा बैंगलोर बैशेज सबके ये लगे हुए हैं, और ये है एंट्री। मलन साहब गए आगे आगे और पहुँच गए हम फाइनली। हेलो हेलो, तुम तो पतले हो। हेलो, काम कर करके क्या इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया क्या? नहीं मेहनत करिए, स्ट्रेस तो अब तो मजा आ रहा है, स्ट्रेस पहले था। दिख रही है मेहनत आपकी। हाय, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हो गया स्टार्ट क्या? हाँ स्टार्ट हो गया। ओ है, ओ ये क्या हुआ? बढ़िया बढ़िया, ओए हमारे पहुंचने से पहले ही आउट हो गया क्या? सो सैड यार, देख ही नहीं पाए हम उसकी। ये तो बुरा ही हुआ, हम लेट हो गए यार, उसकी एंट्री भी नहीं देख पाए और वो आउट भी हो गया हमारे आने से पहले ही। यार जब हमने उसको बताया ना कि हमारे मैच देखने, तो उसने पहले ही बोल दिया था मत आना मैं अंडर प्रेशर आ जाऊंगा, और हमारे आने से पहले ही वो आउट हो गया यार, और यहाँ दिख भी नहीं रहा है कहाँ वो। हाँ अच्छा उधर अपनी टीम के साथ बैठा है ना, और दिख गया दिख गया दिख गया, जूम करके देख लिया, वो बैठा है वो बैठा है। वेदू, ये देखो वेदू आया है, मामू का मैच देखने आया। तूने देखा है मामू का मैच? है उसको बस लाइट दिख रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। बॉल लग रहा है मुझे फटी हुई है, इसीलिए नहीं लग रही इनसे।
मामू बोल दे, मामू बोल, मामू मामू नींद आई हुई है इसको, Meanwhile, ओ, मम्मी जी ऑन टीवी, साथ में चाची भी है, क्या बात है। मम्मी उठ के चली गई, मम्मी भाई टीवी पे आ गए, पिताजी भी आ गए स्ट्रीम पे, आई मीन टीवी पे, पहले मम्मी आ गई थी अब पिताजी आ गए। मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ मैं तो लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ ना ओह हाय बैंगलोर पैशन मजा आ रहा है पर अब्बू नहीं दिखा हमें, कोई नहीं तो क्या होगा तो टीम जीतनी चाहिए, अब्बू खेले कोई भी खेले अच्छा खेले। फर्स्ट इनिंग खत्म हो गई है और 165 रन्स बनाए हैं और अभी हमारा इंटरव्यू होने लगा है। अरे कौन मिला है, अरे वाह, अरे हमने नहीं आउट कराया तुम आयो इसलिए आज एक एक भी रन नहीं लगा, हमारे आने से पहले तो आउट हो चुका था, हम देख ही नहीं पाए थे जब फील्ड पे, ये माइक हमें दे दिया है और अभी हमारा इंटरव्यू होने वाला है और अभिषेक भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है। बचपन में मुझे ऐसा लगता है सबका ही वो होता है, एवरीवन्स ड्रीम इज टू बिकम अ क्रिकेटर, वो वाला सीन होता है, बट ऐसा कभी प्रोफेशनल प्रोफेशनल नहीं खेला ना, कभी बस गलियों में खेला है और आज भी खेल रहे हैं। गलियों में खेलते खेलते तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। आप ये बताएं कि अभिषेक और निश्चय में से आपका फेवरेट बच्चा कौन है? फसा दिया मैंने आपको, वो कहते ना दो आंखें हैं ना, लो जासूस, ऑल द बेस्ट, हाँ जी बोलो, हेलो हेलो, लोग आवाज़ें लगा रही है, डिंपल आंटी डिंपल आंटी। हमारे प्लेयर्स आ गए हैं, कैप्टन साहब गुफ्तगू कर रहे हैं प्लानिंग, और ये सबसे छोटा चीयर्स करने के लिए आया है, मामू को चीयर्स करने आया है, ये कह रहे मेरे सोने का टाइम है, जल्दी जल्दी से आउट करो, जल्दी जल्दी से आ। मैच खत्म हो गया और देखो वीआईपी प्रेरणा अब आई है, हेलो मैडम मुबारक हो, मुबारक हो आपका बेटा हार गया फिर से, मुबारक हो, डेढ़ वर्ष पहले हार गए, एक मिनट मैं बात करता हूं, बोलूंगी कर विजय अग्निपथ अग्निपथ, अब मैं कहूंगी कोई बात नहीं, अब तो आदत सी है मुझको, अब हमें आदत पड़ गई है, वेल डन भी पता लगे जीत क्या होती है, एक काम कर, हम हमेशा हारने आते हैं, एक काम कर, हमारा दिल नहीं है, एक काम कर तू हमारी टीम से बैटिंग कर, यू बैडली नीड मी, आदेश को बैटिंग पक्का है, दो छक्के भी मार देगी, जीत का मजा नहीं दिलाता पर लोगों के प्यार का मजा तो दिलाता हूँ ना,
मामू, भाई मामू से मिल ले अभिषेक, एक हाँ देख कितना खुश हो रहा है उसको देख के, ब्रदर को देख के आशर करा हुआ मामा हार गए मामा, आइए मामू कितने दिनों बाद मिले, अच्छा मामू कितनी देर बाद मिले, कितने दिनों बाद मिला उसको मामा। ओके तो रात के एक बज चुके हैं और अब पहुंचे हैं हम घर, खाना वाना खा के आए हैं और सबसे मिल के बहुत इंजॉय करा और बहुत दिनों बाद हम अभिषेक से भी मिले। और चलो जी कल फिर जाएंगे मैच देखने, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट। तुझसे ना बात करूं तो पल ये अधूरे लगते हैं, बाकी भी तेरे बिना सपने ना पूरे लगते हैं।